दिल्ली सरकार ने शनिवार को आदेश जारी कर सभी गाड़ियों के परमिट, फिटनेस व ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर इसे 30 जून तक मान्य कर दिया है। यानी जितने भी कागजात 1 फरवरी तक मान्य थे उन सभी को 30 जून तक मान्य कर दिया गया। लॉकडाउन लागू होने के बाद सामान्य नागरिकों को अपने वाहनों की फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस व गाड़ी के अन्य कागजात के रिन्यू कराने में परेशानी हो रही थी। इसी प्रकार ट्रक, टैक्सी व ऑटो चालकों का अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना संभव नहीं है। इस नियम के लागू होने से जितने वाहन आवश्यक सामान की आपूर्ति कर रहे हैं वो जिनके कागजात रिन्यू नहीं हो पाए हैं उन सभी को सुविधा होगी। सामान्य नागरिकों जिनके पास निजी वाहन है उन्हें भी इस फैसले का लाभ मिलेगा। बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया, इससे दिल्ली के सैकड़ों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। संक्रमण से बचाव के लिए काफी उपाय किए जाने के बावजूद पुलिसकर्मी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया गया। इस बारे में दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस की ओर से आरकेपुरम में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराया। प्रदीप शर्मा के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी दिल्ली। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।